गांधीयन फिलॉसफी की क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन खैर मकदम। गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उनसे प्रभावित होकर के गांधीवादी संगठनों, गांधीवादी विचारधारा के वाहक लोगों द्वारा अनेक रचनात्मक कार्य 1920 के बाद प्रारंभ कर दिए गए थे। धीरे धीरे गांधीवादी जो विचार है वो एक स्कूल के रूप में सामने आता है और सारे देश में गांधीवादी विचारधारा के तहत कार्य करने की एक होड़ सी मच जाती है। तो गांधी जी स्वयं एक मॉडल के रूप में सबके सामने थे। हालांकि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी की जो छवि है उसके ऊपर एक विपरीत प्रभाव पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी का जो होना और गांधीवादी विचारधारा का औचित्य अभी भी लोगों को समझ में आ रहा था। इस कारण से बहुत सारी संस्थाएं सामने आई और गांधीवादी सोच, गांधीवादी विचारधारा, गांधीयन स्कूल को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। तो गांधी जी या गांधी जी से प्रेरित होकर के जो रचनात्मक कार्य किए गए उसका अध्ययन आज हम करेंगे। स्थानीय मुद्दों को लेकर यदा कदा होने वाले सत्याग्रहों के अतिरिक्त गांधीवादी अपरिवर्तनवादियों ने इस दौरान गांवों में रचनात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अंतर्गत बाढ़ इत्यादि संकटों के काल में प्रभावी राहत कार्य, राष्ट्रीय विद्यालयों का संचालन, खादी एवं अन्य ग्रामीण हस्तकलाओं को बढ़ावा देना, शराब विरोधी प्रचार प्रसार करना, निम्न जातियों एवं अछूतों के बीच समाज कार्य सम्मिलित थे। ग्रामीण भारत की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में भले ही यह कार्यक्रम स्पष्ट सफल नहीं रहे हो, 1905 से होने वाले अनेक प्रयोगों के अनुभव से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विद्यालय केवल तीव्र राजनीतिक उत्तेजना के काल में ही सफल रहे और सामान्य समय में डिग्रियों और नौकरियों के आकर्षण पर विजय नहीं पा सके। 1927 में गांधी जी ने निजी तौर पर मोतीलाल के सामने स्वीकार किया था कि खादी कार्यक्रम बहुत ही कठिन सिद्ध हो रहा है। खादी अब भी आयातित अथवा भारतीय मिल के कपड़े की तुलना में काफी महंगी थी। अछूतोद्वार, जिसे बाद में हरिजन कल्याण का नाम दिया गया था और जिसे 1932 के पश्चात राजनीतिक कारणों से काफी फैला दिया गया था, भूमिहीन और अर्धदासों जैसे खेत मजदूरों के मूल आर्थिक मुद्दे से बिल्कुल भी नहीं निपट सका। इन खेत मजदूरों में अधिकांश अछूत ही थे। शुद्ध सामाजिक सुधार कार्यक्रम के रूप में भी 1920 के दशक में इसमें पर्याप्त बाधा पड़ी, क्योंकि गांधी जी सिद्धांततः जाति प्रथा की भत्सरना करने से इनकार करते रहे। 1925 में अपनी त्रावणकोर यात्रा के दौरान गांधी जी ने ईजवा धार्मिक नेता श्री नारायण गुरु के जुझारू जाति विरोधी विचारों से अपनी असहमति प्रकट की। तमिलनाडु के ईवीआर नायकर जैसे संघर्षशील गैर ब्राह्मणों को गांधी जी से बड़ी निराशा हुई थी। जब 1927 में मद्रास में उन्होंने अपने व्याख्यानों में वर्णाश्रम व्यवस्था के आदर्शों का समर्थन किया था। बंगाल पर हितेन सान्याल द्वारा, संयुक्त प्रांत पर ज्ञान पांडे द्वारा और केरल पर डेविड हार्डीमन द्वारा किए गए ताजा विस्तृत शोधों से अधिकाधिक रूप से प्रमाणित होता है कि कांग्रेस के लिए ग्रामीण समर्थन प्राप्त करने में गांवों में गांधीवादी रचनात्मक कार्य का पर्याप्त राजनीतिक महत्व रहा था। सबसे बढ़कर ये निम्न जातियों और अछूतों पर कांग्रेस का प्रभाव स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ था। राष्ट्रीय विद्यालय, खद्दर भंडार और लाला लाजपत राय का लोक सेवक मंडल
जैसी समाज सेवी संस्थाएं पर्याप्त संख्या में कांग्रेस के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती और वित्तीय सहायता भी देती थी। अगर राष्ट्रीय शिक्षा मुख्यतः शहरी निम्न वर्ग और समृद्ध किसान वर्ग के लिए उपयोगी थी, 1920 के दशक में संयुक्त प्रांत के राष्ट्रीय विद्यालयों से एक भी अछूत कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं निकला था, तो वहीं खादी कार्यक्रम ने अवश्य ग्रामीण निर्धनों को थोड़ी राहत प्रदान की और भद्रलोक राजनीतिज्ञों को किसानों जैसे वस्त्र पहनने के लिए बाध्य किया। बंगाल जैसे प्रदेश में भी, जो अगांधीवादी होने के कारण ख्यात था, सतीश दास गुप्ता के सोडेपुर खादी प्रतिष्ठान एवं सुरेश बनर्जी के कोमिल्ला स्थित खादी आश्रम में पर्याप्त उपयोगी कार्य हो रहा था। इतेश सान्याल ने पिछड़े हुए एवं निर्धन ग्रस्त हुगली के आराम बाग क्षेत्र में 1922 में प्रफुल्ल सेन की गतिविधियों के महत्व पर बल दिया था। आराम बाग निश्चय समृद्ध कृषकों के विकास वाला क्षेत्र नहीं था, हालांकि यह अधिकांश गांधीवादी ग्रामीण आभारी आधारों जैसा नहीं था जैसा आशा की जा सकती थी। रचनात्मक कार्य को सबसे अधिक सफलता गुजरात में मिली थी, विशेष रूप से खेड़ा और बारदोली में, जहां गांधीवादी आश्रमों की एक श्रृंखला थी और अनेक निष्ठावान ग्राम सेवक कार्यरत थे। यहां रचनात्मक कार्य गांधीवादी प्रभाव को छोटे पाटीदारों के परे भी फैलाने में सफल रहे। बारदोली के कालीपराज और खेड़ा के बरैयों के बीच रचनात्मक कार्य का दोहरा प्रभाव हुआ। एक तो उनके जीवन में सचमुच सुधार हुआ, चाहे थोड़ा ही हुआ लेकिन सुधार अवश्य हुआ, और दूसरे उस श्रृंखल तत्वों के नियंत्रण की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। उदाहरण के लिए बरैया गांव में साधु एवं समाज सुधारक के रूप में रविशंकर महाराज के भ्रमण के फलस्वरूप बरसाड़ तालुके में डकैतियों की संख्या में पर्याप्त कमी आई थी। जहां 1921 में इस क्षेत्र में 20 डकैतियां हुई थी, वहीं 1927 से 29 के काल में एक से अधिक डकैतियां नहीं हुई। सर्वत्र मौजूद रचनात्मक कार्य के केंद्रों ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की गतिविधियों के लिए आरंभिक आधार प्रदान किया और खेड़ा के किसानों में राष्ट्रवाद की जो गहरी जड़ें जमी थी, उनका स्पष्ट प्रमाण तब मिला जब बरसाड़ के 14 गांवों ने डांडी मार्च के दौरान पहल करके मालगुजारी की ना अदायगी का आंदोलन चलाया। उस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई थी, मालगुजारी में कोई वृद्धि भी नहीं हुई थी और 1930 के अंत में कृषि उत्पादों के मूल्यों में आने वाली गिरावट अभी दूर थी। भारतीय राष्ट्रवाद के कार्यकलाप को सदैव या पूर्ण रूपेण संकीर्ण भौतिक स्वार्थों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। तो इस प्रकार से ये आरंभिक दौर था जब गांधी जी की जो रचनात्मक सोच थी, रचनात्मक जो गतिविधियां थी, उससे प्रभावित होकर एक मास लेवल पे लोग जो निम्न वर्ग के थे, अछूत वर्ग के थे या ग्रामीण क्षेत्र के थे, वो सामने आए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये हमारे से संबंधित कार्यक्रम है और इसमें जुड़ करके हम राष्ट्रीयता के आंदोलन में अपना योगदान दे सकते हैं। तो अब ये धीरे धीरे एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, और उसका आधार गांधी जी के विचार थे। जो हिंसा की नीति चोरा चोरी कांड में अपनाई गई थी, गांधी जी ने उसका विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी इस नीति से असहमति प्रकट की थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि इतने विशाल शक्तिशाली बड़े साम्राज्य का जो विरोध है, हम हिंसा से नहीं कर सकते, रचनात्मक कार्यों से कर सकते हैं, और रचनात्मक कार्यों से लोगों की आर्थिक दशा भी सुधरेगी, सामाजिक सुधार भी होंगे और जो जातिवादी व्यवस्था है उसमें भी कुछ कमी आएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1920 के बाद सने सने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों से लोग जुड़ते गए, संस्थाएं जुड़ती गई और ये आंदोलन अब एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने लगा। धन्यवाद।
प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।